मेरा बच्चा सी थोड़ा बहुत करके मैं दिता सी, कुत्तियां ने भी मेरे तो खो लिया, मेरा पुत भी खो लिया, मेरा जवान बच्चा मार दिता, साल मारे तय चढ़ गया, मेरा जवान बच्चा बेगनाया मारिया गया, मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं, मेरे बच्चे का कोई गुनाह नहीं, मेरा बच्चा दवाई लैन गया, दवाई लैन गया, मेरा बच्चा वापस घर नहीं आया। आप अपने अबू के लिए कुछ कहोगे? मेरे पुत का इंसाफ ला दे ला, बस मेरे बच्चे का इंसाफ मेनू चाहिए, और कुछ नहीं मेनू चाहिए, मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए, मेरी यही गौरमेंट से सारे अगे ही मेरी फरियाद आ, मेरे बच्चे का मेनू इंसाफ ला के दे दो बस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान सैफ मलिक। नाज़रीन, आज से 3-4 दिन पहले एक ऐसा दिलखराश वाकया टेक्सला में पेश आया कि एक नौजवान जिसका नाम आदिल है, उसे कुछ लोग बाज़ार से ही उठाकर ले गए और उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर उसे उन्होंने कत्ल कर दिया, और जब उसकी लाश जो है उनके वरासा तक पहुंची तो वो टेक्सला चौक में इस लाश को ले गए और वहाँ पे ये सारा दिन एहतजाज करते रहे। तो अभी आदिल की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम सारी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लोग कौन थे और उन्होंने क्यों तशद्दुद किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी, पहले दसो कि की वजह बनी आदिल ते तशद्दुद करन दी या उन्हें मारन दी? कोई वह मेरे बच्चे का कसूर नहीं, घरों दवाई लैन गया शुकर दी, ठीक है, उन्हें घरों भेजिया, स्कूटर ते गया, उते जाके दवाई उन्हें लई है, पता नहीं लई है मैनू नहीं पता, ठीक है, उस तो बाद रेड़ी ते खड़ा, उतो उन्हें पुलिस वाले लै गए चक के। यानी कि वो घर से शुगर की आपकी दवाई कोई लेने गया? दवाई लैन गया शुगर की, दवाई लैन गया, ठीक है, उस तो बाद असी मैं और मेरी बहू अस दोनों पिछे गई थाने, ठीक है, तो वो जरा ना उत्थे जाके ना मारन दिया, बहुत उन्होंने मारन दिया, उत्थे असी थाने गया, उन्हें साड़ी कोई फरियाद नहीं सुनी, कोई गल नहीं सुनी, उस तो बाद 10-12 दिन हो गए ना साड़ी मुलाकात कराई और ना साड़े सामने कराया। तो अम्मा जी, आप पे बड़ा दर्द भरी आपकी कैफियत है और एक पहाड़ आपके ऊपर टूटा हुआ है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि कितने दिन उन्होंने अपने पास रखा और क्या आखिर वजह क्या थी कि उन्होंने इतना तशद्दुद किया और उसके बाद इतना तशद्दुद करके उसे कत्ल कर दिया? ऐसी कोई वजह उन्होंने नहीं बताई, कोई वजह नहीं बताई। और कितने कितने दिनों तक उस पर तशद्दुद करते रहे? 10-13 दिन हो गए, सिर्फ 13वें दिन उन्होंने सब लाश दी, 12 दिन उन्होंने ठाणे च ही रखिया। तो उन 13 दिनों में आपकी कोई मुलाकात हुई उससे? कोई मुलाकात नहीं कराई, कोई मुलाकात नहीं कराई, कोई गल नहीं सी, पिछे जाते रहे, ये तुहानू अज दे दिने, कल दे दिने, अज दे दिने, कल दे दिने, कोई मुलाकात नहीं कराई साड़ी उन्होंने। तो उसको कोई, आपको पता हो कि कोई, यानी उन्होंने कोई उस पर इल्ज़ाम लगा के उसे किया हो गिरफ्तार? कोई इल्ज़ाम तो कोई किया, कोई इल्ज़ाम नहीं उन्होंने सानू दसिया, ना कोई गल दसी, कोई इल्ज़ाम किसी अंबर की गल नहीं दसी। तो आखिर बाजार से वो लोग ले गए, हमें थोड़ा सा ये बताएं कि उसके फैमिली मेंबर्स की अगर बात की जाए, घर वालों की, तो उसके घर में कौन कौन शामिल है? ओ मेरी अम्मी आए, मेरी मामी है, ये भाई है, उनकी शादी हुई हुई थी? हाँ जी शादी हुई है, दो बेटियाँ उसकी, ये दो बेटियाँ हैं। और जब मैं आया यहाँ पे तो इनके भी ऐसी कैफियत थी कि ये भी रो रही थी, इनकी वालदा भी रो रही थी, तो यकीनन इन पे एक गम का पहाड़ टूटा हुआ। तो आप क्या मुतालबा करना चाहेंगी अपनी हुकूमत से? मैंने साफ चाहिए, मैं और कुछ नहीं लेना चाहनी, और गवर्नमेंट से भी थोड़े से यही बेनती है मेरी, मैनू इंसाफ मिले मेरे बच्चे का बस। तो जब आप लोग टेक्सला चौक में गए, आप तक लाश पुलिस वालों ने पहुंचाई किस तरह, ये जरा बताइएगा? ये तो सेट के चले गए लाश नू, ठीक है, सानू लाश को, लाश को यहाँ पे मोहल्ले में चले गए असी, ठीक है, जिन्ना मोहल्ला है ना साढ़े पड़ोसी असी जितने भी है ना सारे असी ठाने गए, उन्होंने आखिर 2 घंटे बाद तुहानू असी बंदा दिने, ठीक है, उन्होंने सानू उते बाया ही आ, 15 मिनट हुए सानू गया तो पिछले लाश लैके आ गए, ठीक है, उन्होंने सुटन की कोशिश की है, लेकिन साढ़े महल वाले ने पड़ोसियों ने आख्या असी इतने लाश नहीं सुटनी, इन रोड पर लैके जाना। यानी कि इतनी बेदर्दी कि उन्होंने लाश को आके सड़क पर फेंक दिया, आपके हवाले भी नहीं किया? नहीं, साढ़े हवाले भी नहीं किया, सानू फोन तिक करके नहीं उन्हें दसिया, ये बच्चे की लाश तुम लै लवो, वारसा दवो,
जाना तब उन्होंने कोई गल ऐसी नहीं साडे नाल की। अभी आपकी क्या कार्रवाई चल रही है उसके मर्डर के बाद, कोई कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ या नहीं? कार्रवाई हम थाने से गए गए कहते कार्रवाई करते हैं, अजे तक कोई कार्रवाई नहीं चली। पुलिस से इंशाल्लाह हमें भरोसा है कि इंशाल्लाह वो ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। और बेटा मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे ना बहुत बेइंसाफी हुई है, मैं और कुछ नहीं मांगती, मैंने इंसाफ चाहिए बस। निकिया दो बच्चिया जतीम हो गई, नौ मेरी बीमार है बेचारी, उन्होंने मैं आप शुक्र का मरीज आ बंदा मेरा बीमार है ठीक है, वो मेरा बच्चा सी थोड़ा बहुत करके मैनू दिता सी, कुत्तिया ने भी मेरे तो खो लिया, मेरा पुत भी खो लिया, मेरा जवान बच्चा मार दिता, साल मारे ताए चढ़ गया, मेरा जवान बच्चा बेगनाया मारिया गया, मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं, मेरे बच्चे का कोई गुनाह नहीं, मेरा बच्चा दवाई लैन गया मेरा बच्चा वापस घर नहीं आया ना उन्होंने आन दिता, अगर मेरे बच्चे की कोई गलती सी मैं दस दे मैं बुला दे, मैं जानी उत्थे जाके उन्होंने पूछ दी दस दी, कोई इदा दी उन्होंने मेरे गल नहीं की। तो मुलाकात क्यों नहीं करवाई जब आप मुलाकात? मैं बड़े उन्होंने तरले पाए, बड़िया मिन्नत कीतियां भी एक दफा मेरी मुलाकात करा दो, पैसे मंगे उन्होंने तो बस मैं पैसे का भी बंदोबस्त किया दिते भी उन्होंने, लेकिन उन्होंने फिर भी करके मेरी मुलाकात नहीं कराई। चले अम्मा जी तुसी रो रहे हो तो बस अगे गल करने हैं। कौन सहारा है दे निक्की जी बच्ची हो जारी दी बच बीवी ओदी बीमार अंदर इन्हों का कौन सहारा है निक्की ने आप भी शुक्र दी मरीज बंदा भी मेरा बीमार इन्हों का कौन सहारा घर का कमाण वाला ओही सी मेरे को कमाण वाला दोवे बच्चे आप अपने घर आ लिया मियाँ मेरा बीमार है वह सानू बेचारा लिया के रोजी दिता सी दुए बच्चे आप अपने घर आ ले आप अपने अबू के लिए कुछ कहोगी? बस जी असी दुआ करने हैं कि अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात बुलंद करे थे उन्होंने कातलन जड़ा है सजा इंसाफ ला दे बस मेरे बच्चे का इंसाफ मैं चाहिए और कुछ नहीं मैं चाहिए मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए मेरी यही गौरमेंट से सारे अगे ही मेरी फरियाद आ मेरे बच्चे का मैं इंसाफ ला के दे दो बस मेरे यही मैं बस यही चाहनी हाँ मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। तो नजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल आदिल के मोहल्लेदार, इनसे हम पूछते हैं कि एज ए मोहल्लेदार वो कैसा इंसान था, उसकी कैसी आदत थी, बुरी आदत थी या अच्छी आदत थी, और आज से पहले कभी पुलिस उसे इस तरह लेके गई या नहीं? तो सर बताइएगा कि आप मोहल्ले में रहते हैं उस लड़के की कैसी आदत थी, किस किस्म का वो लड़का था? उसके बारे में अगर कोई बात की जाए ना तो लाजवाब है, जैसे कि एक इंसान अच्छा इंसान माशरे में होता है उसी तरह वो एक इस माशरे में हमारे था, भाई था हमारा, बेटा था। तो वो मल्ले के बारे में ऐसे था कि जैसे भाईचारे के साथ हर किसी के साथ रहता था, किसी के साथ उसका झगड़ा नहीं हुआ कभी, कभी उसकी साथ किसी के साथ उसकी जाती दुश्मनी नहीं हुई, कोई उसके साथ ऐसी बातें नहीं हुई जो हमने देखी हो। हमने जो देखा है वो एक नहायत शरीफ आदमी था और नमाजी था और उसका अखलाक ऐसा था कि किसी के साथ उसकी कोई ऐसी बात नहीं कभी हमने देखी। कभी ऐसे किसी भी मामले की वजह से पुलिस उसे पहले कभी उठा के लेके गई? जिंदगी में नहीं लेके गई का, ना वो नुसवार पाता था, ना वो सिगरेट पीता था, ना वो कोई नशा करता था, ना उसमें कभी कोई ऐब था, ना वो मजदूर कार आदमी था, दुकानदार था, दुकान पर जाता था, उधर से घर आता था, काम पर गया, शाम को आया, हमने भी देखा है। तो हमको क्या पता था कि हमारे अभी जा रहा है वापस नहीं आएगा, वो सीखे लेने गया है, उधर से बस उन्होंने उठाया, ये उसके माँ है वो गई हुई अस्पताल उधर थाने में, तो उसको मार रहे थे, उसके बाद उन्होंने उसको नहीं लापता कर दिया है किधर है किधर नहीं है, उनसे पैसों की भी डिमांड की है, पैसे भी ले लिए हैं और उसको मार भी दिया है, पोस्टमार्टम भी खुद किया है, लाश को फेंक के जा रहे हैं, कोई कॉन्स्टेबल नहीं है, कोई उसके साथ कोई पुलिस का एहलकार नहीं है, एम्बुलेंस अलाबस अस्पताल की है और ऑपरेशन जो पोस्टमार्टम है वो सरकारी अस्पताल ने किया है, ये क्या माजरा है, ये आप खुद इंसाफ करें, इनको इंसाफ दिलाएं, हम अल्लाहदार हैं, हम सब आपके साथ हैं, और जिसने भी ये जुल्म किया है उसको कह रहे कटार तक पहुँचाएँ और इनके साथ प्लीज़ इंसाफ होना चाहिए। तो
आपको क्या लगता है अभी तक कोई कार्रवाई हो रही है उन मुजरिमान के खिलाफ या नहीं? यार कार्रवाई हो रही होती तो अभी वो कटहरे में होते, कानून की गिरफ्त में होते। कौन सी कार्रवाई है, किधर हैं वो? कौन जिन लोगों ने मारा वो कौन है, जिम्मेदार किधर हैं? ये सब मुंह की बातें हैं और लॉलीपॉप खिला रहे हैं सब इनको। जो आता है अपनी तसल्ली दे के चला जाता है, ऐसी कोई बात है? ये मुजरम हैं, ये डाकू हैं, ये दहशतगर्द हैं जो भाग गए हैं दूसरे मुल्कों में, जिला वतन हो गए, ये पुलिस के एहलकार हैं, सामने लाएं उनको, सामने ला के उनको अपने किरदार तक पहुँचाएं। जो उन्होंने जुर्म किया उसको उनकी सजा दें। आज हमारे साथ होगी, कल दूसरे के साथ होगी, कल किसी और के साथ होगी। पैसों की डिमांड करनी, तुम पैसे ले लो, उसको जिंदा छोड़ दो, मार के दे दिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कत्ल किया उन्होंने, तो इसके पीछे उनकी आखिर वजह क्या थी, किस वजह से उन्होंने, कोई वजह जिन, क्या वजह जिन में रखी गया? वजह ये है कि इधर से आदमी उठाते हैं, लेके जाते हैं, उनसे कबाड़ उठाते हैं, सब कुछ उठाते हैं, पैसे लेते हैं, बस छोड़ते हैं। इनका ये कारोबार है। इस उसी मामले में इनको तफ्तीश करके उनको किसी बात में मुलव्वस करने की कोशिश की, वो नहीं माना, या उसको कोई ऐसी चोट मार दी। इंसान है, इंसान में क्या है, मुझको तुम दो तीन मारो मैं भी मर सकता हूँ। वो तो उसकी बाजू तोड़ दी है, ये टूटा है, ये उसका, तुम आप मेडिकल चेक करो, उसमें सारी रिपोर्ट उसकी डॉक्टर ने दी है ये। और उस डॉक्टर को भी पूछना चाहिए भी बगैर वर्सा के खिलाफ तूने मेडिकल क्यों किया? आपका हमारा ये कानून है पाकिस्तान का कि किसी को मार के ले जाएं, आप पोस्टमार्टम करा दें, हो सकता है इस पाकिस्तान में ऐसा चल रहा है? आप आखिर में अब क्या अपील करना चाहेंगे अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पुलिस, पाकिस्तान आर्मी सब से? मैं सब हमारे जो अफसरान हैं उनसे यही अपील है कि ये इन लोगों को अपने जो इन्होंने जुर्म किया है उसकी सज़ा दें, और इनको अपने कैटे कटार तक पहुँचाएँ। जो इनका ये बेगुनाह मारा गया है आदल, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के मामू और ससुर भी उनके, इनसे हम पूछते हैं कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई थाने वालों की तरफ से या पुलिस की तरफ से उन कातलों के खिलाफ, और अभी तक क्या इनका निज़ाम जो चल रहा है? सर बताएं हमें थोड़ा सा कि क्या सिस्टम। जनाब ये बच्चा इधर से घर से गया है, उसकी अम्मी बीमार है, शुगर की मरीज़ है, उधर दवाई के लिए गया, दवाई ली उधर ने पता नहीं नहीं ली, शाम के टाइम गया है उधर, फिर दवाई लेने के बाद उनके छोटी बच्चियाँ, चलो बच्चों के लिए रोटी रेडी से ले लेता हूँ, रोटी लेने के लिए उधर सीखे सूखे वो बना रहा था, लेकिन उसकी किस्मत मारी कि इन्होंने उधर से उठा लिया रेडी से और लेकर आगे थाने में चले गए। थाने में ले जाकर उधर से साइड पर पता नहीं किधर ले गए, 13 दिन पूरा बहुत हमने मिनते की, जो बंदे बड़े उनको भेजा, लेकिन उन्होंने मुलाकात भी नहीं कराई। उसकी अम्मी रो रो के मार गई, हमारी मुलाकात करा दो, क्या हो गया बता दो। उन्होंने कोई किसी की किस्म की नहीं मनी किसी की गल, और आखिर उन्होंने मार के लाश इधर मोहल्ले में फेंक के जा रहे थे। हम घर कोई बंदा नहीं था, उठाने के आगे सब बच्चे सब बैठे हुए थे उधर के, हमारा बच्चा थे, हमें दिखाओ किधर है क्या किया है। वो इधर लाश फेंक कर जा रहे थे, लेकिन मोहल्ले वालों की मेहरबानी और शुक्रिया कि उन्होंने कहा भाई ये जिंदा लेके गए हो, ये नमाजी बच्चा है, तबलीग पर जाता रहा है, कोई इसमें हमें आप थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि आप उसके ससुर हैं, तो एज ए दामाद वो शख्स कैसा था? बहुत अच्छा था, बच्चों को सही सामता था, सही उनको बच्चों को अपने के रोटी पानी लाता था, मजदूरी करता था, दुकानदार बच्चा है, लेकिन इस तरह कोई उसमें ऐब नहीं, पूरा टैक्स ला उसकी गवाही देने के लिए तैयार है। आप किसी से भी टैक्स ले से पूछ ले, कारी साहब जिसके पास पढ़ता रहे उससे पूछ ले, ये हमारे साथ मस्जिद है, हमारा मस्जिद है उससे पूछ ले, नमाज पढ़ता था, तबलीग के साथ गया हुआ है। ये इन्होंने शक की बना पर उठाया, उधर जो मर्जी इस पर करते रहे, मार मार के जो मर्जी इसको करते रहे। बच्चा था वो, इतना ज़्यादा उम्र का नहीं है, वो कच्चा बच्चा है, इन्होंने मार मार के तशद्द किया बे इंतहा, उसकी जब मौत आ गई इधर फेंक कर, फिर देख ले आप कि उसकी इन्होंने बॉडी जो है उसका हमको मरे का भी नहीं बताया, मुलाजा भी खुद किया, क्योंकि जिम्मेदार खुद पुलिस बनी, किसी ने मुलाजे का हमको नहीं बताया। हमारी DIG पंजाब से और शहबाज शरीफ से और जो बड़े आला अफसरान हैं उनसे अपील है हमारी कि ये देखे छोटी छोटी बच्चियाँ यतीम हो गई हैं, ये इंसाफ हमें मिलना चाहिए, उनको जो इस मुजरम कत्ल के कड़ी से उनको सजा दें। ये मेरा ये अपील हम करते हैं आला अफसरों से कि देखे ऊपर अल्लाह भी है, नीचे हुकूमत देखो हुकूमत इंसानों की है, लेकिन ऊपर अल्लाह पाक की हुकूमत है, इधर इंसाफ तुम करना चाहिए, लेकिन अल्लाह पाक तो ऊपर देख रहा है, वो तो इंसाफ देगा। हमारी अपील है आपसे गवर्नमेंट से कि गरीब लोग हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने वाला इनके क्या, कमाने वाला कोई नहीं है,
अपील करते हैं कि इनकी कोई फरियाद सुने, उन मुजरमों को फांसी तक पहुँचाए। तो नाजरीन, हमें अपने आला अफसरान पे, अपनी पुलिस पे, अपनी आर्मी, जितने भी हमारे इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे, हमें सब पे भरोसा है, इंशाल्लाह इन्हें ज़रूर इंसाफ मिलेगा और इस इंसाफ में आप भी ज़रूर शामिल हों। वो इस तरह के आप इस वीडियो को सबसे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आला अफसरान तक पहुँचे और वो इस मुकदमे पर कोई ना कोई एक्शन लें। तो हमारी वीडियो को आपने ज़रूर देखना है इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस वीडियो को शेयर करना है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और देखते रहें पब्लिक पॉइंट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।